आज हम विशेष साधना के बारे में बात करेंगे। ऐसी साधना ये उनके लिए है जो योग की दिशा में जाना चाहते हैं, जो योगमय होना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं। और इसके लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त के पहले 4 बजे से पहले उठना होगा, और 4 बजे उठने के लिए आपका खान पान सही होना चाहिए। और खाने का ये नियम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका शरीर जब सही स्थिति में होगा तब आपका ध्यान लग सकता है। और ये 20-25 मिनट का ध्यान नहीं है, ध्यान में जीवन बनाने की बात है। पहले मैंने भी पढ़ा था, सुना था कि हमारे एक एक निवाले को 32 बार चबाना चाहिए, पर जब सदगुरु को सुना कि 24 कौर 24 बार चबाना है, यह मुझे बहुत वैज्ञानिक लगा और मैंने इसे कोशिश की और फिर मैंने ये स्टार्ट किया। थोड़ा सा मुश्किल लगा शुरू में, छोटा सा कौर ले मुंह में और उसे इतना चबाएं कि वो मुंह में ही पूरा पेस्ट बन जाए, पूरा डाइजेशन मुंह में ही हो जाता है और पेट में पहुंचने तक वो कंप्लीट हो जाता है। पाचन की क्रिया में ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे और लगेंगे, पर अब इसका मतलब ये नहीं है कि पेट खाली हो गया है तो और खाना खाना है। हम भोजन करते हैं एनर्जी के लिए, जिससे हमारे शरीर को हम चला सकें, ना कि सिर्फ पेट सारा टाइम भरे रहने के लिए। हमें उतना ही खाना खाना चाहिए जितने हमारे शरीर को ज़रूरत है, ना कि सिर्फ जीभ के लिए, स्वाद के लिए। मैंने तो ये स्टार्ट किया है, आप भी ये ट्राई करके देखिए। बहुत हल्कापन लगता है, ध्यान लगता है, सवेरे नींद खुल जाती है। पौष्टिक आहार लेना है, 24 निवाले होने चाहिए, 24 कौर को 24 बार चबाना है और आराम से कोशिश करें 20 से ऊपर। मैंने 24 मिनट का समय लिया है कि 24 ग्रास को 24 बार चबाकर 24 मिनट तक के खाना है। आप भी ये कोशिश करें, देखेंगे कि कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ये हमारे स्वास्थ्य शरीर के लिए अच्छा है, मन के लिए अच्छा है और ध्यानमय होने के लिए बहुत अच्छा है। आप ये ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा ये करने के बाद। धन्यवाद।